हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्या पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम यूनिट थर्ड का चैप्टर 7 डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट थर्ड का चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे चैप्टर 7 की, जो है डिफरेंशिएशन। ये जो वर्ड है आपके लिए नया नहीं है। डिफरेंशिएशन जो है, हमने प्रीवियस क्लास में भी, आपको याद होगा, हमने कई फंक्शंस का बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हमने डेरिवेटिव फाइंड किया हुआ है, उनको डिफरेंशिएट कर रखा है। और फिजिक्स में भी आपने अवकलन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ रखा है। हम स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है मैंने? माना कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, x का कोई कंटिन्यूस फंक्शन है। मेरे पास में y जो है वो x का कोई कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। y जो है वो x का फंक्शन है, तो x क्या हो गया यहाँ पर? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y क्या हो गया यहाँ पर? डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। y की जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करेगी? x पर डिपेंड करेगी। अगर x की वैल्यू चेंज होगी तो y की वैल्यू भी क्या होगी? चेंज होगी, ठीक है। नेक्स्ट लाइन हम पढ़ते हैं। जब किसी वेरिएबल के एक मान से दूसरे निकटतम मान में परिवर्तन होता है, तब इन दोनों मानों के अंतर को हम वृद्धि कहते हैं। क्या लिखा मैंने? कोई वेरिएबल है, ठीक है। उस मान लो, कोई वेरिएबल मेरे पास में x है, इसके मान में चेंज हुआ, कितना हो गया? x प्लस डेल एक्स। तो ये आप यहाँ पर मेजर कर सकते हैं, जो चेंज हुआ है वो कितना चेंज हुआ है? डेल एक्स चेंज हुआ है। तो इस डेल एक्स को ही हम क्या कहते हैं? इंक्रीमेंट कहते हैं। इसी डेल एक्स को हम क्या कहेंगे? इंक्रीमेंट कहेंगे। दोबारा देखो इस लाइन को। वेरिएबल के एक मान से दूसरे निकटतम मान में परिवर्तन होता है, तो इन दोनों मानों के डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? इंक्रीमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, x के दोनों मान x प्लस डेल एक्स और x के अंतर को x में वृद्धि कहते हैं। इसी वृद्धि को, मीन्स इंक्रीमेंट को, हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात हमें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं हम। y की जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड कर रही है? x पर डिपेंड कर रही है। यानी x की वैल्यू में कोई भी चेंज आएगा, x के मान में कोई स्वच्छ अल्प वृद्धि, मीन्स डेल एक्स की जाती है, तो y के मान में भी संगत वृद्धि क्या होगी? डेल y होगी। y जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर डिपेंड कर रहा है। अगर x में चेंज आया डेल एक्स का, तो y में भी चेंज आएगा किसका? डेल y का, ठीक है। यदि x के मान में कोई स्वच्छ अल्प वृद्धि डेल x की जाए, तो y के मान में भी संगत वृद्धि डेल y होगी। तो भिन्न फ्रैक्शन डेल y अपॉन डेल x जो होगी वो क्या करेगी? x के सापेक्ष y की वृद्धि की औसत दर होगी। ये जो फ्रैक्शन है डेल y अपॉन डेल x, ये क्या होगा? x के रेस्पेक्ट में y के वृद्धि की औसत दर। यानी डेल x, यदि डेल x टेंस टू जीरो होगा, तो डेल y भी क्या होगा? टेंस टू जीरो होगा। यानी इस पूरे पैराग्राफ में हमने क्या चीज़ समझी? हमने सिर्फ इतनी सी चीज़ समझी है कि मेरे पास y जो है वो x का कोई फंक्शन है, कोई कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। x मेरे पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y मेरे पास में डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अगर x के मान में परिवर्तन होता है, x के मान में कोई भी परिवर्तन हुआ डेल x, तो y के मान में भी क्या होगा? परिवर्तन डेल y। और ये जो डेल y अपॉन डेल x, ये जो मैंने फ्रैक्शन बनाया है, ये क्या व्यक्त कर रहा है? ये x के सापेक्ष y की वृद्धि की औसत दर को, रेट को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक हमें बात समझ में आती है। अब हम बात करते हैं डेरिवेटिव, ठीक है। लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, वही y जो है मेरे पास कोई कंटिन्यूस फंक्शन है, x में अगर कोई वृद्धि डेल x की जाती है, तो y के मान में भी संगत वृद्धि क्या होगी? डेल y होगी। तो भिन्न डेल y अपॉन डेल x की लिमिट, डेल एक्स जब डेल एक्स टेंस टू जीरो, अर्थात लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल वाई अपॉन डेल एक्स को हम वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलज कहेंगे, या फिर अवकल गुणांक कहेंगे। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी वाई अपॉन डी एक्स से व्यक्त करते हैं। वाई मेरे पास में एक्स का कोई कंटिन्यूस फंक्शन है, एक्स में अगर
इंक्रीमेंट हुआ डेल एक्स, तो वाई में भी इंक्रीमेंट होगा डेल वाई का, तो मेरे पास में फ्रैक्शन डेल वाई अपॉन डेल एक्स की लिमिट व्हेन डेल एक्स टेंस टू जीरो, यानी कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स को हम क्या कहेंगे, वाई का एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव कहेंगे या अवकल गुणांक कहेंगे। इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स से व्यक्त करते हैं। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या मतलब हुआ, डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या मतलब हुआ कि एक्स के सापेक्ष वाई में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, इसी चीज़ को हम कैसे, मैंने मैथमेटिकली लिखा है कि यदि वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई में एक्स में चेंज, एक्स में इंक्रीमेंट हुआ एक्स प्लस डेल एक्स, तो ये क्या हो गया वाई प्लस डेल वाई। ठीक है, ये इक्वेशन वन मान लीजिए, ये इक्वेशन टू ले लो, टू माइनस वन करोगे तो डेल वाई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। बोथ साइड हमने क्या किया, डेल एक्स से भाग दे दिया, तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अब लिमिट लगा दी हमने दोनों तरफ, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, इस चीज को हम क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स दिस। ठीक है, बात हमें समझ में आ रही है। एक चीज और हमें ध्यान रखनी है, ये जो डेल वाई अपॉन डेल एक्स है ये एक फ्रैक्शन है, मींस इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, बट डी वाई बाई डी एक्स का कभी भी मतलब ये नहीं होता, ये चीज जो है वो गलत होती है। ये जो डी वाई बाई डी एक्स होता है ये सिर्फ और सिर्फ नोटेशन होता है किसका, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स का, यानी इस चीज का ये क्या होता है, इस फ्रैक्शन की लिमिट का सिर्फ और सिर्फ ये नोटेशन होता है, इस डी वाई बाई डी एक्स का कभी भी मतलब ये नहीं होता। ठीक है, बात समझ में आ गई हमें। अब हम बात करते हैं अवकलन की। ठीक है, अवकलन की क्या डेफिनेशन है, द प्रोसेस टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ठीक है, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है, अवकलन कहलाती है। ठीक है, मेरे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, उसको अपन ने अवकलित किया, हम कैसे लिखते हैं इसको, एफ डैश एक्स। ठीक है, अब हम कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के कुछ हम डेरिवेटिव देखेंगे। ठीक है, जैसे x की पावर n का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x जब हम करते हैं तो क्या मिलता है हमें, n x की पावर n माइनस वन, x की पावर n का जो डेरिवेटिव होगा वो हमें क्या मिलता है, n x की पावर n माइनस वन। इस चीज़ को कैसे ध्यान में रखेंगे, जो भी पावर होगी वो आगे आ जाएगी और x की पावर जो होगी वो एक कम होकर हम लिखेंगे। अगर यहाँ पर x की पावर 10 होगी तो क्या होगा, 10 आगे आएगा और x की पावर हम एक कम करके लिख देंगे, मीन्स हम क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद e की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमेशा e की पावर x होगा, ये तो बहुत ईजी है, इजीली हमें याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं e की पावर x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा e की पावर x log a, क्या होगा, e की पावर x log a। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, log x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, क्या होता है, 1 अपॉन x होता है। ठीक है, साइन x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या होता है, cos x होता है, cos का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या होता है, माइनस साइन x होता है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, और cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x स्क्वायर होता है, sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x होगा, cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस cosec x cot x। ये सारे रिजल्ट्स हमें याद होने चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, x की पावर n का n x की पावर n माइनस वन, e की पावर x का e की पावर x, a की पावर x का a की पावर x log a, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, साइन का cos, cos का माइनस साइन x, tan x का
sec स्क्वायर x, sec का sec x, tan x. तो ये सारे रिजल्ट्स जो है वो हमें याद होने चाहिए, तभी हम इजीली क्वेश्चंस कर पाएंगे. ठीक है, आगे देखते हैं हम कुछ इनवर्स फंक्शंस का डेरिवेटिव हम देख लेते हैं. साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/√1 − x². अगर साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हमें याद है तो कॉस इनवर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं. आगे आप क्या कीजिए, माइनस का साइन लगा दो. ठीक है, टेन इनवर्स x का क्या होगा? 1/1 + x². टेन इनवर्स x का अगर हमें याद है तो आप क्या करो, कॉट इनवर्स x का याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्या आ जाएगा? −1/1 + x². sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? 1/√x²−1. cosec इनवर्स x में क्या करना है? कुछ नहीं, आगे क्या कर दिया हमने, माइनस का साइन लगा दिया. ठीक है, एक लास्ट और हम फंक्शन देख लेते हैं. log बेस a है x, log a x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या होगा? ठीक है, log x का जब बेस a होता है क्या होता है डिफरेंशिएशन? 1/x होता है. ठीक है, और यहाँ पे बेस मेरे पास में क्या है? a. तो इस चीज़ को हम ऐसे, आपको, आप सभी जानते हैं log a x को हम क्या लिख सकते हैं? log a e, log e x. ये वैल्यू क्या होती है? 1 ही होती है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं. और ये चीज़ क्या होती है? कॉन्स्टेंट. ठीक है, इस फंक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं. ये कॉन्स्टेंट है, ये यहाँ आ गया, log x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 1/x हो गया. ठीक है, आई होप आप सभी को इस फंक्शंस के जो डेरिवेटिव है वो याद आप लोग अच्छे से कर लेंगे. आगे बढ़ते हैं हम. ठीक है, कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स की हम बात करते हैं ऑन डिफरेंशिएशन. ठीक है, फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट क्वांटिटी इज जीरो. हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी का जो डेरिवेटिव होगा वो हमेशा क्या होगा? जीरो. किसी भी कांस्टेंट को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो वो कितना आएगा? जीरो आएगा. क्यों आएगा? मेरे पास y इज इक्वल्स टू कितना? c, यानी y क्या है? एक कांस्टेंट फंक्शन है. इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1. अगर y प्लस डेल वाई अगर इंक्रीमेंट हुआ y प्लस डेल वाई, तो कांस्टेंट तो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई इंक्रीमेंट या कुछ नहीं होगा. ठीक है, अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 किया, तो डेल वाई इज इक्वल्स टू कितना आया? c माइनस c इज इक्वल्स टू 0. बोथ साइड हमने क्या किया? डेल एक्स से डिवाइड किया, तो डेल वाई बाई डेल एक्स कितना आ गया? 0 आ गया. हमने बोथ साइड लिमिट लगाई, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू दिस कितना आ गया? 0 आ गया. और ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी कितनी आ गई? 0. आप सभी को पता है ये चीज़ है क्या? जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया था, डेरिवेटिव फाइंड किए थे, वही प्रोसेस यहाँ पर अपन ने किया. इक्वेशन 1, 2, देन इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 हमने लगाई, डेल एक्स से डिवाइड किया, फिर हमने लिमिट लिखी, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0. तो हमारे पास में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई? हमें 0 मिल गई. ठीक है, सेकेंड देखते हैं हम, क्या है हमारी फंडामेंटल थ्योरम. सेकेंड जो है वो है, द डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ कॉन्स्टेंट एंड फंक्शन ऑफ x इज द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्स्टेंट एंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. क्या कहना चाह रहा है ये, कि अगर मेरे पास में कोई फंक्शन दे रखा है जिसे हमें डिफरेंशिएट करना है, और उसके साथ कोई कॉन्स्टेंट जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है, उसके साथ कोई कॉन्स्टेंट जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? जो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर लिख लेंगे, और जो भी आपका फंक्शन होगा उसको आप इजिली डिफरेंशिएट कर सकते हैं. मीन्स कॉन्स्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पर जो c था उसे हमने बाहर ले लिया, एफ एक्स को हमने डिफरेंशिएट किया, और इसे हम क्या लिख देंगे? एफ डैश एक्स. एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है? एफ एक्स का डेरिवेटिव. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम. नेक्स्ट क्या है? थर्ड. ठीक है, थर्ड क्या है? द डेरिवेटिव ऑफ एल्जेब्रिक सम और डिफरेंस ऑफ फंक्शन इज द सम और डिफरेंस ऑफ देयर डेरिवेटिव. ठीक है, अगर मेरे पास में तीन कोई फंक्शन है, u, v और w. ठीक है, u, v और w आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या दे रखा है? फंक्शंस का एक तरीके से सम दे रखा है. ठीक है, तो
इस तरीके का फंक्शन है जिसे हमें डिफरेंशिएट करना है, तो कुछ नहीं है, हमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हम अलग अलग भी डिफरेंशिएट करके लिख सकते हैं, u प्लस v प्लस w। तो इस तरीके के फंक्शन को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, u को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, बीच में प्लस, v को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन बीच में प्लस, और w को हम अलग डिफरेंशिएट करेंगे। अगर यहाँ पर डिफरेंस होता तो यहाँ पर भी क्या आ जाता, डिफरेंस आता, ठीक है। फोर्थ आगे हम देखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। अगर मेरे पास में दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ हो तो हम फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। d अपॉन डी एक्स ऑफ u डॉट v, मेरे पास यहाँ दो फंक्शंस है u और v, ठीक है। इस तरीके से अगर इस तरीके से फंक्शंस दिए हुए हों, यानी फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया हुआ हो, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। पहले फंक्शन को एज इट इज रहने देंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट कर देंगे, प्लस दूसरा एज इट इज और पहले को हम डिफरेंशिएट कर देंगे। मींस आपको कैसे अवकलन करना है, आप ये समझ लो, यू को छोड़ा, ठीक है, फर्स्ट को छोड़ा और सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड को छोड़ा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। जब सेकंड डिफरेंशिएट होगा तो फर्स्ट एज अ कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा, और जब पहला डिफरेंशिएट होगा जो सेकंड है वो हमारा एज अ कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा, ठीक है। फिफ्थ जो लास्ट है हमारी फंडामेंटल थ्योरम, वो क्या कहती है, डेरिवेटिव ऑफ, अगर मेरे पास में फंक्शंस इस तरीके से दिए हुए हों, फंक्शंस किस तरीके से दिए हुए, यू अपॉन बी, इससे पहले हमने क्या सीखा, यू डॉट बी, अब हमें कहाँ दिए हुए हैं, यू अपॉन बी की फॉर्म में। तो कुछ नहीं करना, कैसे याद रखोगे आप, जो भी हमारा डिनोमिनेटर में है क्या है, वी है ना, तो हमने क्या लिख दिया, v का स्क्वायर, जो यहाँ पर आया वही यहाँ पर लिख दो v, फिर v आ गया तो du यू अपॉन डी एक्स, लेकिन बीच में साइन किसका आएगा ये ध्यान रखना है हमें, माइनस का साइन आएगा, ठीक है। अब u डिफ्रेंशिएट हो चुका तो u को हमने यहाँ रख दिया, और इस बार कौन रह गया, डी वी अपॉन डी एक्स, वी रह गया था तो v को हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। कैसे याद रखेंगे हम, u अपॉन v है, डिनोमिनेटर में v है, तो डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर, v यहाँ है तो v यहाँ भी रख दो, डी यू अपॉन डी एक्स माइनस, u डिफ्रेंशिएट हो चुका तो u को हमने छोड़ दिया, v नहीं हुआ तो dv अपॉन dx हमने लिख लिया। तो आज की क्लास में बच्चों हमने क्या सीखा, हमने अवकलन का इंट्रोडक्शन देखा, अवकलन क्या होता है, अवकलन क्या होता है, dy by dx क्या मतलब होता है, x के रेस्पेक्ट में y में परिवर्तन की दर, ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं, ठीक है। अवकलन के बारे में हमने पढ़ा और हमने कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट देखे, वो सारे रिजल्ट्स हमें याद होने चाहिए, जैसे e की पावर x का डिफरेंशिएशन, e की पावर x, साइन का cos, cos का माइनस साइन, ठीक है। और हमने कुछ फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी ऑन डिफरेंशिएशन, जैसे कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है, जो डेरिवेटिव है वो हमेशा जीरो होगा। अगर मेरे पास में फंक्शंस जो है वो इस तरीके से सम हो तो हम क्या करेंगे, उनको अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर फंक्शंस प्रोडक्ट में हो तो हम इस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, यू अपॉन वी की फॉर्म में हो तो हम इस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। तो आज हमने ये सब बिल्कुल बेसिक पढ़ा, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंशिएशन से रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।